बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स। मेरा नाम है हमज़ा शहबाज। मैं बनाने लगा हूँ आलू और गोभी, यानी आलू गोभी का सालन। बड़ा सिंपल तरीका और आसान है और बड़ी मज़ेदार बनती है। देखते हैं कि आलू गोभी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये मैंने गोभी ली है, एक दरमियाने साइज़ का फूल। के बाद ये आलू ये लिए हैं, ये एक लिया मैंने बड़े साइज़ का आलू। इसको मैंने इन स्लाइसेस में काट लिया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर मैंने कटी हुई प्याज इन पीसीज में काट के, उसके बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने ग्राइंड करना है। टमाटर है, ये एक मैंने डाला बड़े साइज़ का, और ये डेढ़ लीमू है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अगला प्रोसेस। ये मैंने कुकर लिया है, सबसे पहले कुकर में ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये जो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें हैं, ये जो मैंने इनका पेस्ट बनाया है, ये मैं शामिल करूंगा गर्म ऑयल में। इसके बाद ये प्याज है, ये प्याज शामिल करूँगा। ले फ्रेंड्स, प्याज जो मैंने ब्राउन कर लिया है सुनहरी, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, हिलाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगा, लें जी। अब बारी है टमाटर की, तो टमाटर के अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा आए, अच्छा टेस्ट बने, तो इसके छिलके उतार लीजिए, तो उसका टेस्ट जो है खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये मैं ऐड करूँगा और दो तीन मिनट तक मैं इसको इस तरह पका के फिर मैं इसमें गोभी ऐड करूँगा। ले जी, दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब बारी है गोभी डालने की, तो ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगा। अब इसको समय दो तीन मिनट भूनूंगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लीजिए फ्रेंड्स, अब बारी है मसाले डालने की। ये धनिया, खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये मैं एक टेबल स्पून डालूँगा। सूरख मिर्चें, ये भी ये वाला चम्मच एक जाएगा। ये हल्दी है, ये क्वार्टर स्पून, ये ऐड करेंगे।
नमक आप हसबे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीमू है जिसमें छोड़ देंगे। लेमन से बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसको कुकर से ढक देंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इसको मैंने कुकर पे ढक्कन लगाए हुए, तो आप देख सकते हैं इसकी सीटी बज रही है। एक बार मैं दोबारा बताना चलूँ कि गोभी है इसको ज़्यादा गलाना नहीं वरना इसका टेस्ट कैसा रहेगा। अब मैं इसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर लूँगा। ये मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट कर दिया था और अब ये गरम मसाला है, ये तकरीबन 1 चम्मच मैं शामिल करूँगा। अब इसको अच्छी तरह भून लूँगा। देखें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।